महाराज बनारस विद्या मंदिर न्यास की ओर से मां गंगा के तट पर स्थित तुलसी घाट पर बुधवार को 49वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का शुरुआत हुआ। इस मेले का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी तक होगा। ध्रुपद मेले के उद्घाटन सत्र में मंच पर पद्मश्री शिवनाथ मिश्रा, पद्मश्री रायश्वर आचार्य, वाराणसी के राजा कुंवर अनंत नारायण सिंह, संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंबर नाथ मिश्र, पद्मश्री ऋत्विक सान्याल मौजूद थे। ध्रुपद मेले में सांगीतिक प्रस्तुतियों का शुभारंभ काशी के पंडित देवव्रत मिश्र ने सुरबहार वादन से किया। उन्होंने रात्रि के प्रथम प्रहर के राग मालकोंस की अवतारणा की। मंद सप्तक में वादन करते हुए देवव्रत ने पूरे धैर्य का परिचय दिया। इस धैर्य की प्रशंसा श्रोता प्रोफेसर रायश्वराचार्य, प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल एवं पंडित शिवनाथ मिश्र ने मुक्त कंठ से किया। दूसरी प्रस्तुति में मंचासीन हुए पंडित राज खुशीराम ने स्वतंत्र पखावज वादन किया। वादन का प्रारंभ चौताल में निबद्ध लयकारियों से किया। पागलदास पखावजी के प्रिय शिष्यों में एक लखनऊ घराने के खुशीराम ने पारंपरिक वादन की प्रस्तुति की। इसके बाद भोपाल के पंडित उमाकांत एवं अनंत रमाकांत गुंदेचा का गायन, दिल्ली के श्याम रस्तोगी का सुरबहार वादन, रांची के शैलेंद्र पाठक एवं दिल्ली की लोपा मुद्रा भट्टाचार्य का गायन, काशी के संजय वर्मा का विचित्र वीणा वादन एवं आशुतोष भट्टाचार्य का गायन हुआ। पचासवां वर्ष है और ये मेला शुरू हुआ था तो आज इस और आज देखिए तीन तीन पद मेवाड़ी उसमें अभी जो सबसे नया मिला है प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी को, तो एक तरह से सरकार भी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। बड़ा एक तरह से ये इवेंट है बनारस का और देश विदेश से सारे लोग आते हैं, परफॉर्मर भी आते हैं, श्रोता भी आते हैं। हम समझते हैं कि ये फेस्टिवल यूनिक है जहाँ आर्टिस्ट के अलावा श्रोता भी आते हैं बाहर से। आप किसी आयोजन में ऐसा नहीं सुने होंगे कि विदेशों से ध्रुपद मेला के लिए आते हैं। तो उस समय जब शुरू हुआ था तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस रूप में आज खड़ा हो जाएगा। ये शिव जी का स्थान है और शिवरात्रि के आयोजन से भी ये जुड़ा हुआ है और महाराजा बनारस भी इसमें सहयोग करते हैं। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलेगा और आज देखिए जो नए पीढ़ी में ध्रुपद विधा को अपनाया है तो इस कार्यक्रम को सफलता मानते हैं। अगर ये एक्टिविटी का आप प्लेटफॉर्म नहीं देते हो सकता है ध्रुपद का क्या होता, वो कल्पना करना बड़ा मुश्किल है।